ठंडी होगी है, जो अंदर रह के आड़ में वो कर रहा था वही ठंडी, आप भी समझ गए मैं भी समझ गई, उसी से ठंडी का सौ भी पार्टी को चुनाव होता है। या मैं इतना बड़ा नेता हूँ कि जहाँ चाहूंगा जिसे चाहूंगा हरा दूंगा और जिता दूंगा, तो फिर तो मैं ही हुआ ना नेता यहाँ के अकेला। मेरा पानी उतरता थे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट के जरूर आऊंगा। पत्थरों पे सर पटकने से क्या मिलता है, एक समंदर को बिलखने से भला क्या फायदा होगा। संजीव बालियान बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, तो संगीत सोम बीजेपी के पूर्व विधायक। संजीव बालियान जाट समुदाय से आते हैं और संगीत सोम ठाकुर वर्ग से। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर की सियासत करते हैं जबकि संगीत सोम सरधना की। मुजफ्फरनगर की चुनावी रैली में ये दोनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर मौजूद थे, एक तरफ संजीव बालियान और दूसरी तरफ संगीत सोम। मगर अब 24 के नतीजे आते ही इन दोनों के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वार पलटवार हो रहा है। पश्चिमी यूपी में संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम का नया एपिसोड शुरू हो गया है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी। मैं संजीव बालियान जी का भी सम्मान करता हूँ, उन्होंने ऐसा अगर बोला है कि मेरी वजह से हारे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरे पार्टी संगठन ने, मेरे पार्टी नेतृत्व ने और खुद संजीव बालियान जी ने केवल सरधना तक मुझे सीमित किया था और सरधना पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है, वो जहां हारे समीक्षा वहां करनी चाहिए। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और दो बार के मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक से 24,672 वोटों से हार गए। इसी के बाद चुनावी नतीजों का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। सबसे पहले संजीव बालियान सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगीत सोम को जयचंद और शिखंडी कहा। इसके बाद संगीत सोम ने मेरठ में मीडिया को बुलाया और खुद को पाक साफ बताकर संजीव बालियान पर ही दोषारोपण कर दिया। शायद मेरी कुछ कमी होगी कि इन जयचंद और विभीषण जनता के बीच में जाकर उन्हें जनता को कन्विंस कर पाए, इसमें भी मैं अपनी कमी मानूंगा। अगर मेरा काम बेहतर हो सकता है मेरे काम में, मेरे व्यवहार में कहीं कमी रही होगी, जब भी तो किसी आम जनता को कोई कन्विंस कर पाया, तो मैं इसमें अपनी कमी मानूंगा। जो जयचंद है उनको रहने दो, विभीषण है उन्हें पार्टी अपने आप देखेगी। चूंकि माननीय बालियान जी का थोड़ा आना जाना कम रहा लोगों में, विकास कार्य उन्होंने, मुझे तो नहीं लगा सरधना विधानसभा में कहीं कोई काम कराया है, मुझे तो नहीं दिखता, सरधना विधानसभा में तो काम भी नहीं कराया और सरधना विधानसभा में लोगों पे मुकदमे भी बहुत कराए, उन्होंने जेल भी भिजवाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने लोगों को समझा के मैनेज करके, मन का मतलब बालियान जी का नहीं मतलब कमल के फूल का है, हमने पार्टी को नहीं हारने दिया, हमारी जिम्मेदारी यही थी। संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम की इस घमासान को बीजेपी कंट्रोल कर पाएगी या नहीं, या फिर क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, मगर पहले इनके महायुद्ध की वजह जान लीजिए। संजीव बालियान लोकसभा का चुनाव हार गए। संजीव बालियान के हार में सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह ये रही कि ठाकुर समुदाय भारतीय जनता पार्टी से दूर चला गया। संजीव बालियान के खिलाफ ठाकुर 24 में महापंचायत हुई। संगीत सोम के दबदबे वाले विधानसभा सरधना में संजीव बालियान के काफिले पर अटैक भी हुआ। संजीव बालियान के खिलाफ जो महापंचायत हुई उसके नतीजे जब सामने आए तो पता ये चला कि ठाकुर 24 में से 6 गांव ऐसे थे जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहा। जिस सरधना को संगीत सोम का इलाका कहा जाता है वहां संजीव बालियान को 80,781 वोट मिले, जबकि सपा के हरेंद्र मलिक को 80,826। संगीत सोम के गांव आलमगीरपुर फरीदपुर में सपा के खाते में 153 वोट आए, संजीव बालियान को 148 वोट मिले। बुढ़ाना में हरेंद्र मलिक को 116,151 तो संजीव बालियान को 1,75,000 वोट मिले, यानी यहां भी संजीव बालियान पीछे।
चरथावल विधानसभा में सपा के हरेंद्र मलिक को 95,766 और बालियान को 82,085 वोट मिले। खतौली में संजीव बालियान को 83,473 वोट जबकि हरेंद्र मलिक को 80,451 वोट थे। मुजफ्फरनगर सदर में संजीव बालियान के खाते में 97,401 वोट तो हरेंद्र मलिक को 96,600 वोट मिले। यानी खतौली और मुजफ्फरनगर सदर ही दो सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को लीड मिली, बाकी सभी में हार। यही वजह है कि संगीत सोम संजीव बालियान को अपने 10 साल के कार्यकाल को एग्जामिन करने की सलाह दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, अपनी कमियों पर पब्लिक डिबेट का टॉपिक क्यों बना रहे हो। अगर वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इतना तो उन्हें सिस्टम पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी अपनी बात मीडिया के जरिए नहीं रखता, अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखता है और वही एक तरीका है, वही उन्हें भी अपनाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। संजीव बालियान और संगीत सोम की अदावत करीब 2 साल पुरानी है। इस कलह कथा का चैप्टर शुरू हुआ यूपी के विधानसभा चुनाव में। संगीत सोम को सरधना में 99,887 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान 1,18,047 वोट पाकर जीत गए। संगीत सोम के समर्थकों का आरोप है कि उन्हें संजीव बालियान का साथ नहीं मिला, जिसके चलते जाट वोट बैंक और परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। इसके बाद दोनों के बीच महाभारत बढ़ती गई। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की। खुद सीएम योगी ने 2 बार टकराव को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा जस का तस बना रहा। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा। के मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए। संजीव बालियान का आरोप है कि संगीत सोम चुनावी प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हरेंद्र मलिक से मिलते रहे हैं, इसलिए अपने शक को सबूतों की कसौटी पर सामने रख रहे हैं और फिर वो फैक्ट भी सामने रख रहे हैं जो उनके खिलाफ चले गए। मुजफ्फरनगर में 39% मुस्लिम वोटर्स हैं। माना जा रहा है कि ये संजीव बालियान को नहीं मिला। 18% जाट वोट हैं, इसमें भी बटने का दावा किया जा रहा है। 10% ठाकुर मतदाताओं का बड़ा हिस्सा छिटक जाना भी संजीव बालियान अपनी हार का आधार बता रहे हैं। उन्हें दिक्कत इस बात से नहीं कि मुस्लिम एक मुश्त होकर सपा को चले गए, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, ये अंदर तक अखर गया है, इसीलिए वो संगीत सोम को रडार पर ले रहे हैं। हम पूरे मुजफ्फरनगर में घूम रहे हैं और इस वक्त मैं बुढ़ाना में हूं जो कि जाट बाहुल्य इलाका है। यहां के लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या मानते हैं। संगीत सोम ने जो बवंडर मचाया, ठाकुरों की पंचायत करी, उसका माहौल खराब हो गया, यह वजह हुई। यहां 24 गांव इधर हैं, 24 इधर हैं, 48 गांव जो हैं ये खिलाफ चले गए। तो इसका असर पड़ा जनता का, केवल जी ठाकुर भी जा रहे नहीं की पार्टी है तो इसलिए हम ही क्यों जा। सबसे बड़ा नुकसान ठाकुरू नहीं करा, जो बवंडर बनाया इन्होंने ही बनाया, नहीं यहाँ कुछ नहीं था। संजीव बालियान जीतता कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी करा ठाकुरू ने करा, शुरुआत इन्होंने करी, फिर सब अपना इर्द गिर्द हो गए। दिल्ली से गठबंधन हो गया, जयंत भी साथ में आ गए थे, फिर भी जाटों का वोट पूरा नहीं मिला, ये क्यों हुआ? जैसे मिलता उंगवे जाट खड़ा था, जाट नहीं खड़ा था उनके सामने, तो जाट बट गया, बट गया जाट ही बैठा। मैंने संजीव बालियान का पकड़ नहीं था, उधर भी चले पकड़ है, यहाँ 25% उधर चला गया, 75% चला गया, पकड़ तो थी पर सावत पकड़ थोड़े रोक रहे, जाट खड़ा। क्यों हार गए संजीव बालियान? हमारे हिसाब से तो अभी हारे जी, ये जो दलित वोट था सब इधर उधर चलेगा। उसकी दलित वोट तो संगीत सोम की वजह से गया नहीं, वो क्यों? नहीं उनकी वजह से गया जी, उन्होंने पंचायत करी ना, मैसेज गलत गया उनका, पंचायत की वजह से उन्होंने सोचा मायावती का कैंडिडेट जीत जाएगा। संजीव बालियान केंद्र में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। वो 2014 में पहली बार मुजफ्फरनगर से जीते तो मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए, हालांकि 3.5 साल तक ही मंत्री रहे। फिर 2019 में अजीत चौधरी को हराया तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर इनाम दिया गया।
खुद मोदी ने उनकी सीट पर प्रचार किया और दो बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैली करने पहुंचे। इस दौरान संजीव बालियान और संगीत सोम को एक मंच पर लाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन मतदान से ठीक पहले संगीत सोम के कुछ वीडियो सामने आए जो संजीव बालियान को अखर गए। हालांकि संगीत सोम के समर्थक इसे नाराजगी नहीं बताते, मगर संजीव बालियान के विरोध वाले दावे से इत्तेफाक भी नहीं रखते। संजीव बालियान कह रहे हैं कि संगीत सोम ने हरा दिया, इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों को लगती है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि राजपूत समाज नाराज चल रहा था। कारण कितने ही कारण थे उसमें, कि पश्चिम से किसी भी राजपूत का टिकट ना होना, रूपाले जी का बयान और इस तरह के ऐसे ऐसे छोटे छोटे कारण एक बड़ी लिस्ट बन गई थी। पार्टी ने उन्हें चाहा ही नहीं राजपूतों को। अगर पार्टी चाहती कि राजपूतों से बात की जा तो शायद ये चीज हल हो सकती। माननीय सांसद जी बिल्कुल गलत कह रहे इस बात को, क्योंकि संगीत सोम जी के जो सरदना विधानसभा है संगीत सोम जी की, वो तो बराबर हुई, वहां से कहां हारे नहीं। वो तो रही बात हमारे गांव की, ये सरदना विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है सलावा। इस पूरे गांव में कहीं बता दो सांसद जी का कोई पत्थर लगा हुआ हो, सांसद जी ने कोई सड़क बनवाई हो, सांसद जी ने कोई रास्ता बनवाया हो, तो इसमें विधायक जी का क्या फॉल्ट? क्योंकि संगीत सोम भी ये कहते हैं कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो संजीव बालियान उनको हराने में लगे थे और जाटों ने वोट नहीं किया उनको। इस तरह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है कि विधायक जी को उन लोगों ने हराने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मतदाता पहले से ही बीजेपी से काफी बना हुआ है। यूपी में बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हारे हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। संजीव बालियान ने अपनी इस रिपोर्ट में संगीत सोम पर सवाल उठाए हैं या नहीं ये अब तक सीक्रेट है, लेकिन जिस तरह पश्चिमी यूपी की सियासत में तूफान उठा है वो टेंशन देने वाला है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में चुनाव पहले फेज में हुआ था और इस चरण में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। एक उम्मीदवार आरएलडी का था। इन 7 में से बीजेपी का महज एक प्रत्याशी ही जीत हासिल कर पाया, बाकी पूरी तरह हार झेलनी पड़ी। मुजफ्फरनगर की हार इसलिए भी परेशान कर रही है क्योंकि 1999 से चली आ रही मुस्लिम वोटों की राजनीति पर बीजेपी ने 2014 में ब्रेक लगाया था। जाट बहुल सियासत को साधने के लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी पर फोकस किया और इसके लिए जयंत चौधरी को अपने पाले में लाए, लेकिन मुजफ्फरनगर में ये गठजोड़ काम नहीं कर पाया। संजीव बालियान हार के बाद संगीत सोम पर बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके सब तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें किसका स्तर कहाँ है। मेरी जिम्मेदारी केवल और केवल सरधना पे दी गई थी। मेरी एक भी मीटिंग ना बुढ़ाना पे हुई है, ना चरथावल पे हुई है, ना खतौली पे हुई है, मेरी कहीं कोई मीटिंग नहीं हुई है। और अगर उनके दिमाग में इतना बड़ा है कि मैं घर बैठ के जहां चाहूं वहां हरा दूं, तो ये तो बहुत, मुझे नहीं पता, मैं इतना बड़ा नेता हूं फिर मुझे नहीं पता है साहब। योगी आदित्यनाथ यूपी में मिशन 2027 पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उनका फोकस पश्चिमी यूपी पर बहुत ज्यादा है। जाट और ठाकुर बहु सीटों के लिए नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं, मगर इन सारी कोशिशों से पहले संजीव बालियान और संगीत सोम आपसी कलह में उलझ गए हैं। इस टकराव को रोकना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, वरना ये संकेत अच्छे नहीं है। मुजफ्फरनगर से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।